सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ अपनी एफकैट की क्लास को लेकर के। आई होप सब चीज़ें फाइन प्रॉपरली काम कर रही होंगी, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ और आप लोग भी बता दो अगर सब चीज़ें सही तरीके से काम कर रही हूँ तो, एक बार कमेंट करके बोल दो हाँ या ना। तुम लोगों की कमेंट मैं ऑन कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि वेदर यू आर देयर और नॉट। तो एक बार ग्रुप में सबको बता दो कि क्लास शुरू हो चुकी है और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एफकैट का प्रीवियस ईयर का पेपर। हम लोगों ने एनालॉजी पढ़ ली, हम लोगों ने ऑड वन आउट पढ़ लिया, आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन मैंने बना करके रखे हैं तुम लोगों के लिए, जहां से ये पता चलेगा कि वेदर यू आर कंपैटिबल विद द रिसेंट पेपर और नॉट। अब यहां पे अगर कंपैटिबल नहीं हो तो परेशान नहीं होना है और हो तो खुश नहीं होना है। इसलिए परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, आप कोप अप कर सकते हो। खुश इसलिए नहीं होना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, पता नहीं एग्जामिनर पैटर्न ही चेंज करते तो क्या कर लोगे। तो ये दोनों चीजों को अपने दिमाग में रखो, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है, समझ करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ एन एग्जामिनर। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो और उसमें अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि एग्जामिनर भैया का माइंडसेट क्या है तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा जाओ और कुछ और काम कर लो। जब कंसंट्रेशन के साथ वापस आना तब मॉक टेस्ट लगा लेना। क्लियर हुई बात? तो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, चलो ग्रुप में भी एक बार डाल दो डेट क्लास हैज बीन स्टार्टेड। और पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर, बिना कोई समय वेस्ट किए हुए ट्राई टू डू द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक बात तो समझ में आती है अच्छी तरीके से, मैं तुम्हें बोले देता हूं तुम भी समझ जाओगे क्या, कि अंग्रेजी अगर अच्छी नहीं है तो एफकैट में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू इसी बात के एग्जांपल हैं। शुरू करें आज की क्लास, बोलो भाई शुरू करें आज की क्लास। सो लोग मुझे यहां से दिख रहे हैं, गौरव, राजा, पवन, मनीषा, प्रेम, एसके, शाश्वत, मिर्जा, कमलेंद्र। चलो क्वेश्चन नंबर वन में दे रहा हूं तुम लोगों को, और ट्राई टू डू इज एज सून एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर वन आपको मिल गया है जहां पे चार ऑप्शंस आपको देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ ऑड वन आउट क्या होगा, बताओ ऑड वन आउट क्या होगा। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, बताओ ऑड वन आउट क्या होगा। पार्सले, बेसल, डिल और मेयोनीज। चलो भाई शुरू करो, जल्दी जल्दी आंसर दो, बताओ क्या होगा। पार्सले, बेसल, डिल और मेयोनीज। शाश्वत ने सबसे पहले आंसर दिया है डी, बाकी लोग दो भाई जल्दी से। गीतांजलि डी, वन का बी, ओके बेसल, डी सी। चलो देखो ये है क्या, ये जो अजीब अजीब नाम है ये है क्या एक्चुअल में, और फिर मैं ये बताऊंगा कि इसमें दिमाग लगा करके आप इन चीजों को कैसे कर सकते थे। सबसे पहले हमने देखा पार्सले, ना कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा, हटाओ। बेसल कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा, डिल कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा, मेयोनीज जो लोग खाने के थोड़े बहुत इच्छुक रहते हैं वो जानते हैं मेयोनीज क्या होता है। अब आई डोंट नो ये वही मेयोनीज है या नहीं, बट मैं उसको ऐसे ही रिलेट करूंगा। पार्सले, बेसल और डिल की बात करूं तो ये तीनों क्या है, एक हर्ब है, ठीक है। अब ये हर्ब क्या होते हैं, हर्ब जो वो होते हैं शॉर्टर हाइट्स के प्लांट होते हैं। पार्सले एक ऐसा हर्ब है जो आपको मेडिटेरेनियन रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, बेसल ऐसा है जो साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलता है, डिल तो हमारे इंडिया में ही है। लेकिन मेयोनीज की अगर मैं बात करूं तो मेयोनीज इज नॉट अ हर्ब। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन ऑड वन आउट अगर हमने निकाला तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। सो दोज हु आर सेइंग डी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आ गया है, यहां पे आपको दे रखा है ट्यूलिप, रोज, बर्ड, डेजी। ट्यूलिप, रोज, बर्ड, डेजी, बहुत इजीली से आप कैटेगराइज कर लोगे कि एग्जामिनर यहां पे क्या आपसे पूछना चाह रहा है। उसने ए ऑप्शन दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। इजिली कैटेगराइज कर लोगे और बता दोगे क्या होगा आंसर। जल्दी जल्दी आंसर दो क्या होगा भाई।
यहां पे दे रखा है हमें ट्यूलिप, रोज, बट और डेजी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा? जल्दी देना शुरू करो। बड एज ऑल अदर्स आर फ्लावर नेम। वेरी गुड भाई। बड मतलब क्या होता है? कली। और बाकी ए, बी और डी ये सब क्या है? ये सब फूलों के नाम है। ट्यूलिप इज अ फ्लावर, रोज इज अ फ्लावर, डेजी इज अ फ्लावर, बट बड, बड क्या होता है? बड एक इमेच्योर फ्लावर होता है जो कली के रूप में आता है, द क्लोज वन। तो क्या हो जाएगा? टू का ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। रेस्ट ऑल आर अ नेम ऑफ फ्लावर। क्लियर हुई बात? बट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये भी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप नहीं समझ पाओ तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर आप नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे। भाई यहां पर अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है रे, रे या राई, जो भी लोग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंशिएट इट। फिर क्या दिख रहा है आपको? सोल्डक, पंपरनिकल और लोफ। सारी चीजों को साइड में रखो, हम लोफ जानते हैं क्या होता है। लोफ इज अ पीस ऑफ ब्रेड जिसको हम स्लाइस बना बना करके यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सोल्डक और पंपरनिकल क्या होते हैं? किसी को पता है क्या होते हैं? सभी लोग कह रहे सी होगा। ओके, हम बात करते हैं किसकी? स्किप। ओके, हम बात करते हैं किसकी? पंपरनिकल की। तो पंपरनिकल क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ ब्राउन ब्रेड चलती है, जर्मनी में क्या होता है? ये भी बिल्कुल एक डार्क ब्राउन डेंस ब्रेड होती है जो कि होल फ्लोर की बनती है। तो एक बात ये समझ में आती है कि डी भी रिलेटेड है ब्रेड से, सी भी रिलेटेड है ब्रेड से। अब आते हैं बी की तरफ। बी, ये बी क्या होता है भाई? तो बी एक ऐसा फर्मेंटेड मटेरियल होता है जिससे आपकी ब्रेड बनाई जाती है। बी एक ऐसा फर्मेंटेड मटेरियल होता है जिससे आपकी बी ब्रेड बनाई जाती है। तो एक बात हमको ये समझ में आ गई कि बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, ये ऑल आर रिलेटेड है किससे? ये ऑल आर रिलेटेड है या तो प्रोसेस्ड ब्रेड से या तो अनप्रोसेस्ड ब्रेड से। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये आपका राई, ये आपका ब्रेड से रिलेटेड नहीं है। ये खुद में एक सीरियल होता है और बाकी ए को छोड़ करके बी, सी और डी ये रिलेटेड हैं या तो प्रोसेस्ड ब्रेड से या तो अनप्रोसेस्ड ब्रेड से। तो थ्री का आंसर क्या हो जाएगा? ए। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सही दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताना क्या होगा आंसर। ये थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन लगा जो हजम किया जा सकता है, क्योंकि कप भी सुन रखा है, कॉफी भी सुन रखी है, बोल भी सुन रखा है और जो चार ऑप्शन है वो भी सुनने सुनाए लग रहे हैं। तो इसका आंसर सभी लोग दो, क्या होगा इसका आंसर बताओ। और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो अपने आप में बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखना जरा क्या होगा। हमें यहां पर दे रखा है कि कप इज रिलेटेड टू कॉफी, तो सिमिलरली बोल इज रिलेटेड टू वॉट? कप अगर रिलेटेड है कॉफी से, तो इसी हिसाब से बोल किससे रिलेटेड है बताओ, जल्दी से आंसर दो। शाश्वत ने सबसे पहले आंसर दिया है, बोला है बी, सूप। वेरी गुड, बाकी लोग आंसर दो। पूजा, सूप, अनीमा, सूप, गीतांजलि, बी। सर आपकी सिलोजिज्म की प्लेलिस्ट नहीं है एसएससी अड्डा पर? एसएससी अड्डा पर है, यूपी ट्रिपल एस, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे उसमें दो हैं, एक डिफेंस वाली और एक यूपी स्टेट वाली। यूपी स्टेट वाली भी करना, उसमें सिलोजिज्म है, ठीक है रोहित। तो सभी लोग बोल रहे हैं बी 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 बी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर में हमने देखा कि कप इज रिलेटेड टू कॉफी। कॉफी क्या होता है? आप कप में पोर करके तब आप उसको पीते हो। इसी हिसाब से बोल में आप क्या रखोगे? डिश, डिश तो खुद एक यूटेंसिल है। स्पून, स्पून तो खुद एक यूटेंसिल है। अब जो लोग कंफ्यूज अगर हो रहे हैं सूप और फूड में, तो फूड बड़ी जनरल सी चीज है, फूड तो कुछ भी हो सकता है, फूड तो रोटी भी हो सकती है। रोटी को क्या आप बोल में रख करके खाओगे? ना। लेकिन सूप एक पर्टिकुलर बड़ी स्पेसिफिक चीज है जिसको हम बोल में ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बी, सॉरी सी नहीं होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आते हैं और देखते हैं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आते हैं और क्या होगा आंसर बताना। मीरा रन फास्टर देन गेल, लिली रन फास्टर देन मारा, गेल रन फास्टर देन लिली। इफ टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज वॉट ट्रू? आई थिंक ये मारा नहीं है, सेकेंड वाले स्टेटमेंट में मीरा ही होगा। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में जो मारा है उसको काट करके क्या कर लो? मीरा। ये टाइपिंग एरर है, तुम्हें बता देता हूं मैं इसको कैसे करना है। सब मैं अगर क्लास नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आज कर लेना। आज भी
आज शाम को भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे बंच ऑफ क्वेश्चन करेंगे 5 से 6 वाले में जो आपके बहुत काम आएंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है आपकी, तो जो लास्ट में वहां पर लिखा हुआ है MARA, इसको काट करके आप इसको मीरा समझ लो, तभी तो आप कोरिलेट कर पाओगे। इतना करो और आंसर दो तेजी से क्या होगा, इतना करो और आंसर दो तेजी से क्या होगा, बताओ। यहां पे तुम्हें 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और उसके बाद बोला गया है 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी, मतलब अगर पहली और दूसरी अगर आपने ट्रू मानी तो उस हिसाब से आप थर्ड को क्या मानोगे, वो ये कहना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा एक बार सारी स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है। तो कैसे करेंगे देखो, इधर देखो, इधर सबसे पहली स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, देखो सबसे पहली स्टेटमेंट कह रही है कि मीरा रन फास्टर देन गेल, तो हमने यहां पे लिख लिया कि मीरा फास्ट है किससे, गेल से। फिर आगे आते हैं सेकंड वाली क्या कह रही है, सेकंड वाली ये कह रही है कि लिली रन फास्ट देन मीरा, तो लिली जो है वो मीरा से भी आगे है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इफ वी कंबाइन दीज स्टेटमेंट, तो हम क्या देखेंगे कि लिली सबसे आगे है, मीरा सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पे गेल है हमारा। अगर हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमने देखा लिली मीरा और गेल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट हो गए। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है कि गेल रन फास्टर देन लिली, सो गेल रन फास्टर देन लिली। अब इस चीज को इससे मैच कराओ, देखो मैच हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही है तो फॉल्स, अगर कोई लिंकअप ही नहीं है तो अनसर्टेन, और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो नन ऑफ दीस। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं, गेल तेज है किससे, लिली से। यहां पर तो पता चल रहा है कि लिली सबसे तेज है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर इन दोनों को हम ट्रू मानेंगे तो इसको फिर हमें फॉल्स ही मानना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स बोले तो 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है अनसर्टेन कब बोलेंगे, अनसर्टेन, अनसर्टेन तब आंसर दोगे तुम लोग जब यहां पर कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे पर्सन का नाम लिया जाए जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में हो ही ना। जैसे यहां पे था मीरा, गेल और ये एल से कौन था हमारा, लिली, और यहां पर मान लो मैं तरुण का नाम ले लेता, तो तरुण तो है ही नहीं यहां पर, तो अनसर्टेन हो जाता। क्लियर हुई बात, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे, यही होते हैं सीक्वेंस के क्वेश्चन, इन्हीं को हम कहते हैं सीक्वेंसिंग, ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किसके ऊपर, आपके वेन डायग्राम के ऊपर, आंसर दो तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम के ऊपर, आंसर दो तेजी से क्या होगा। वेन डायग्राम वाला आ गया, आंसर दो तेजी से क्या होगा। यहां पे आपको बताना है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में क्या रिलेशन है। आपको पता है तीनों डिफरेंट स्पोर्ट है, और जब तीनों डिफरेंट स्पोर्ट है तो कोई सर्किल ओवरलैप इंटरसेक्ट कुछ होगा ही नहीं, अलग अलग बनाओ। सर मारा की वजह से नहीं, नहीं वो मीरा ही है, वो क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है, मारा नहीं है, मीरा ही है वो, ठीक है। हाँ वो अननोन नहीं है, मीरा ही है वो, अनसर्टेन नहीं होगा वो, टाइपिंग एरर, हम जानते हैं ना क्वेश्चन हमने पढ़ा था लाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमें पता है, हॉकी इज अ डिफरेंट गेम, क्रिकेट इज अ डिफरेंट गेम, एज अ थर्ड वन इज फुटबॉल इज ऑल्सो अ डिफरेंट गेम, तो तीनों डिफरेंट है तो तीनों अलग अलग बनेंगे, और जब तीनों अलग अलग बनेंगे तो 6 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 6 का हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसका आंसर दो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, यहां पे आपको फिगर को कंप्लीट करना है, यहां पर क्या करना है आपको, फिगर को कंप्लीट करना है। कंप्लीशन के लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन शायद एक करा चुका हूं सुबह में, हाँ यही एक क्वेश्चन था, डिट्टो आंसर दो भाई, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे एग्जाम में, जल्दी बोलो। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे एग्जाम में, बोलो। सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसके फिगर को अगर तुम एनालाइज करो तो ये कुछ इस तरीके से है, ये इसका पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये तुम लोगों को बताना है ये क्या बनेगा।
ठीक है, चार ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं, लेकिन यहां पर जो मेन लाइन वाली बात है वो है इसकी डबल पुश लाइन, और ये हर जो ये दो दो लाइनें हैं ये आप देख रहे हो, ये वहां पर है जहां पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो दो लाइनें बन रही हैं ये वहां वहां बन रही हैं जहां दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब दो लाइनें इंटरसेक्ट यहां पर कर रही, तो यहां पर भी दो लाइनें बननी चाहिए, तो ऐसी दो लाइनें बनती हुई आपको कहां पर दिख रही हैं, जो बिल्कुल नोक में बन रही हो। हमारे पास है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जो बिल्कुल नोक में दो लाइनें निकल करके आ रही हो, ऐसी लाइन हमें कहां दिख रही है, तो ए में तो दिख रही है पर बी में नहीं दिख रही है, सी में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और डी में भी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए की सही हुआ। तुम चाहो तो इमेजिनेशन का यूज करके इसको उठा करके रख भी सकते हो, देखो फिगर भी तुमको बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा इस टाइप का, तो इस हिसाब से हमारा 7 का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। वेरी गुड, क्लियर हुई है बात, नॉन वर्बल का कोई एक भी क्वेश्चन गलत करके आना ही नहीं है, हालांकि एग्जाम आते आते नॉन वर्बल में हम तुम्हें काफी हद तक मान करके चलो एक ऐसी एक्सपर्टाइज दिला देंगे कि तुम्हारा डर भी निकल जाएगा और नॉन वर्बल के क्वेश्चन तुम अच्छे अच्छे लेवल के प्रैक्टिस भी कर लोगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सिलॉजिज्म के ऊपर है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन एफ कैट का, सिलॉजिज्म के ऊपर है, जल्दी से कर डालो, जिन लोगों ने कल की क्लास करी होगी उनके लिए तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम वो लोग लेंगे भी नहीं। क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ करके यहाँ वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो कंक्लूजन पूछा है अपने आप से पूछना है, क्या वो चीज दिख रही है, अगर दिख रही है तो टिक मार दो, नहीं दिख रही है तो क्रॉस मार दो, जल्दी करो बताओ क्या होगा आंसर। स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन दे रखा है, आंसर दो। शालू, पूजा, सूरज, रोहित, गौरव, गीतांजलि, मनीषा, अनीमा, पवन, जल्दी आंसर दो। रोहित, आकाश, राज, स्टेटमेंट को पढ़ो, वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम जब बना लो तो कंक्लूजन से पूछो कि क्या वो चीज हमें पर्टिकुलरली दिख रही है, इफ यस मार्क का टिक, इफ नो देन मार्क क्रॉस। 7 का हमारा ऑप्शन ए था, हाँ। 8 के ऊपर आते हैं, 8 का क्या होगा आंसर, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम नॉइज आर स्टिल, अभी तक आंसर आया, हाँ बिल्कुल आना शुरू हो गया। कविता ए, शालू, पूजा ए, ओके, अच्छा यहाँ शिवांगी से आंसर आया है 1, राज ने बोला है 1, पवन ने बोला है क्रॉस, आकाश ने बोला है 1, पूजा 1, गौरव ए, प्रेमराज ए, तो सभी लोग बोल रहे हैं ए। हम भी जरा चेक कर लेते हैं, सम नॉइज आर स्टील, सम नॉइज आर स्टील, तो कुछ नॉइज हमारी क्या हो गई, स्टील हो गई, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, नो स्टील इज ब्लड, नो स्टील इज ब्लड, ओके ये भी बात हमको समझ में आती है। फिर क्या कह रहा है, सम स्टील इज फ्री, सम स्टील इज फ्री, तो कुछ स्टील हमारी फ्री हो गई। स्टेटमेंट 1 और कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 के ऊपर आते हैं, ये कह रहा है सम नॉइज आर नॉट ब्लड, सम नॉट के बारे में मैंने हमेशा तुम्हें एक तरीका बताया है, वही तरीका फिर से बता रहा हूं यहां पर अप्लाई करने के लिए, ध्यान से सुनो, अगर यहां पर लिखा हो सम नॉइज आर नॉट ब्लड, सम नॉइज आर नॉट ब्लड, जब भी सम नॉट का कोई भी केस तुम्हें दिया हो, तुम्हें करना हो, तो मैंने कहा शुरुआत के दो वर्ड सबसे पहले उठाओ, जब शुरुआत के दो वर्ड उठाओगे तो पूछो सम एन, एन का सम पार्ट कुछ दिख रहा है तुम्हें यहां पर, एन का कोई सम पार्ट तुम्हें दिख रहा है यहां पर, देखो एन का कोई सम पार्ट तुम्हें दिख रहा है यहां पर, बिल्कुल ये वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है यहां पर, हाँ या ना, एन का सम पार्ट तुम्हें देखो यहां पर दिख रहा है, अब ये किसके अंडर में आ रहा है, ये एस के अंडर में आ रहा है, तो हम सम एन को लिख लेते हैं एस, हम सम एन को लिख लेते हैं एस, क्यों, क्योंकि n का सम पार्ट हमको किसके अंडर में दिख रहा है, s के अंडर में दिख रहा है, तो हमने सम n को लिख लिया s। अब आगे जब हम चेक कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, देखो इधर हम देखेंगे s, अब लास्ट की तीन लाइनें देखो, s आर नॉट b, अब पूछो अपने आप से क्या s b नहीं है, क्या s b नहीं है, बिल्कुल ये तो हमें देखने को दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला सही। इस तरीके से करोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। दूसरा वाला क्या कह रहा है, ऑल ब्लड इज नॉइस, क्या तुम्हें सारा ब्लड नॉइस के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो काटो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलो, आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन डाले नहीं मैंने लेकिन तुम होशियार हो, हाँ ओनली वन फॉलो, ए इज करेक्ट, ओके क्लियर हुई बात। सम नॉट को भूलना नहीं है, हर बार मैंने एक ही बात बताई है तुम्हें, सम नॉट को टारगेट करना है तो सबसे पहले दो दो शब्द उठाओ, दो शब्द सम एन, एन का सम का हिस्सा कुछ दिख रहा है, बिल्कुल एस दिख रहा है, एस लिख लो, अब देखो अब आखिरी के तीन देखो, आर नॉट एस,
पूछो क्या एस बी नहीं है, सॉरी क्या एस बी नहीं है, बिल्कुल हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमने टिक मार दिया, खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज बतानी है इसकी, ओनली वन फॉलोज, वेरी गुड अनीमा सौरभ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रहे हो, हमें क्या बताना है अब, ओनली हमें क्या बताना है अब, ओनली सॉरी ओनली कह रहे हैं, हमें बताना है अब क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दे रखा है, पूछा गया है आपसे मिरर इमेज, मिरर इमेज का आंसर तो जल्दी से क्या होगा, मिरर इमेज का आंसर तो जल्दी से क्या होगा। एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग सेशन नाउ, जो लोग अभी अभी सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक कर दो वीडियो को। इससे मुझे ये लगता है कि एक ही क्वेश्चन सही, लेकिन तुम समझे तो हमसे कुछ। चलो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सेशन को, डू लाइक एंड एम्बार्क योर प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं, 9 का आंसर क्या होगा, तो सी बोल रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अगर क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना है तो क्या होगा आंसर, देखो मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसी है अगर मिरर के सामने रख दो तो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, घूम जाती है वो भी ऐसे एक्स एक्सिस से, जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, अभी ऐसे देखो। तो हमें यहाँ पे सिर्फ जेड दे रखा है इस तरीके से, अगर इसकी हमें मिरर इमेज निकालनी है तो हम किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले ये देखो, अगर हमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है तो हम किस तरीके से देखेंगे, हम देखेंगे ये जो दो लाइनें टेढ़ी टेढ़ी हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, ये कहाँ चेंज होने वाली, ये जो दो लाइनें हैं टेढ़ी टेढ़ी, देखो जितना अपनी भाषा में तोड़ पाओ फिगर को उतना अपनी भाषा में तोड़ना, कभी गलत नहीं करोगे। अब ये लाइन जा रही थी यूं, कोई भी चीज़ अगर यूं जा रही हो तो मिरर इमेज में कैसे जाएगी, यूं, कोई भी लाइन अगर यूं जा रही हो, अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो उसको मिरर इमेज में देखोगे तो कैसे दिखेगी, ऐसे, क्योंकि लेफ्ट का राइट हो जाता, राइट का लेफ्ट हो जाता, यही मिरर होता है, क्लियर हुई बात। तो इधर अगर आप देखो तो इधर क्या बोलोगे, लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है ना भाई, ये लेफ्ट होता है ना, इधर देखो तो ये लेफ्ट की तरफ झुकी है, मिरर इमेज निकालो तो ये राइट की तरफ झुक जाएगी। तो अगर मैं इसी हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करूं, तो अगर मैं इस हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करूं तो ए बी सी और डी में से हमारे कौन कौन से एलिमिनेट होंगे, देखो हमारा ए वाला एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इस लाइन से, अगर मैं सिर्फ इस लाइन से एलिमिनेट करूं तो ए हमारा एलिमिनेट हो गया, बी हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा सी और डी, बचा क्या हमारे पास, सी और डी। अब देखो जरा क्या हो रहा है, आप देखो यहां पर एक एरो ऊपर जा रहा है, यहां पर एक एरो नीचे आ रहा है, एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे आ रहा है, तो सिमिलरली इस लाइन वाला जो ऊपर वाला एरो है वो किधर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर वाले एरो में आ जाएगा। सी और डी में जरा चेक कराओ कहां पर है, डी में तो क्या नाम है, कुछ लॉलीपॉप जैसा कुछ दिख रहा है, वो ऊपर आ गया है तो गलत हो जाएगा, सॉरी डी वाला गलत हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक सी। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने सीख लिया, मैंने तुम्हें मिरर इमेज पढ़ाई है, ध्यान से सुनना, सॉरी मैंने तुम्हें मिरर इमेज नहीं पढ़ाई है, इसलिए मैंने तुम्हें इतना सब ये करके दिखाया है। जब मिरर इमेज के सेशन हम लोग ले लेंगे तो मिरर इमेज में तुम ये क्वेश्चन देखते ही बता दोगे, क्योंकि इमेज का कोई भी क्वेश्चन हो वहां पे करने का मैं सिर्फ तुम्हें एक तरीका बताऊंगा, यू हैव टू फाइंड द 3 रॉन्ग ऑप्शंस, नॉट अ सिंगल करेक्ट वन। सिंगल करेक्ट ढूंढोगे तो इतना सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा, 3 रॉन्ग ढूंढोगे तो बड़े आराम से काम हो जाएगा। तो मिरर इमेज का एक बार सेशन हो जाने तो फिर तुम बताना ये क्वेश्चन तुम्हें करने में टफ लगता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हो, मैं चाहता हूँ उसका जवाब मुझे सबसे, तुम लोगों से सबसे चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, तो अजीब है तो आंसर भी अजीब तरीके से ही सोचना और निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सब लोगों से चाहिए मुझे, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, बताओ क्या होगा। और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो। वो ये कह रहा है 151 अगर 90 बनना है तो 282 क्या बनेगा, 151 अगर 90 बनना है तो 282 क्या बनेगा, इसका आंसर को एक्सप्लेनेशन के साथ दे दे मुझे। गोलू मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, गोलू नहीं सॉरी गुलू, तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें देखना सिखाऊंगा नॉन वर्बल को देखते कैसे, ट्रिकें तो बहुत है, कितनी याद रखोगे यार, नॉन वर्बल में भी जो ट्रिक से पढ़ाए समझ लो वो बेकार है फिर। मैं तुम्हें सिर्फ देखना सिखाऊंगा चीजों को देखते कैसे हैं, मिरर इमेज पूछ रहा है तो कैसे देखेंगे, वाटर इमेज पूछ रहा है तो कैसे देखेंगे, एम्बेडेड में कॉर्नर मेथड टेक्निक क्या होती है, बस कोने देखो आंसर निकालो। तो इन सब चीज़ों को जब शुरू करेंगे तो तुम देखो कि चीज़ें बड़ी फ्लेक्सिबल होती जाएंगी। भाई आंसर दो सभी के सभी, इसका आंसर मुझे सभी से चाहिए, और एक्सप्लेनेशन के साथ कोई दे दे तो और अच्छी बात है। नयन जी ने आंसर दिया है सी, एक्सप्लेन करके दो।
और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो में, लाइक कर दो वीडियो को और बताओ क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। 151 अगर बनना है 90 तो 282 क्या बनेगा, 151 अगर बनना है 90, दिख रहा है तो दिख ही नहीं रहा है, 151 अगर बनना है 90 तो 282 क्या बनेगा, 151 बन रहा है अगर 90 तो 282 क्या बनेगा, आंसर लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो, कुछ भी उठपटांग सोचो, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेढ़ा लॉजिक है। पूजा ने आंसर दिया है सी, एक्सप्लेनेशन के साथ दो आंसर तो मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। अपना लॉजिक बताओ, किस लॉजिक के साथ तुम सोच रहे हो 89 होगा। नो आइडिया सा नंबर वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं सौरभ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमको भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लेकिन कभी भी तुम्हें यह नहीं मानना है कि क्वेश्चन हमारे माइंड के लॉजिक से बड़ा है, कभी तुम्हें यह नहीं मानना, ये मानोगे तो परेशान हो जाओगे। हमेशा ये मानो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस मैं समझ नहीं पाया कि मुझे वहां तक जाना था। बताओ भैया क्या होगा आंसर, बताओ। और जो नए जुड़ रहे हैं डू लाइक द सेशन, अगर नहीं हो रहा है तो यही लिख दो कि नहीं हो रहा है ताकि मैं फिर सॉल्व करा दूं बिना टाइम वेस्ट किए। 89 आंसर आ गया, ओके। सर समझ नहीं, सर नहीं समझ, ओके। 89 आंसर आ रहा है, ओके। चलो आप जितने भी लोग देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि क्या लॉजिक इसके पीछे लगा हुआ है। 151 डेट इज अवर नंबर वन, डेट इज अवर नंबर टू, डेट इज अवर नंबर थ्री, 151, अब इसको भूल जाओ, 151, ठीक। पहले और दूसरे नंबर का सम लो तो कितना आएगा, टू। पहले और दूसरे नंबर का सम लो तो कितना आएगा, टू। ध्यान से देखो, पहले और दूसरे नंबर का सम लो तो कितना आएगा, टू। इसको मिडिल नंबर से माइनस कर दो, सो 5-2 इज इक्वल टू 3, 5-2 इज इक्वल टू 3। अब 3 का 90 से कोई रिलेशन है, 3 का 90 से कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। 3 का स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा भैया, 09 आएगा। 3 का स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा, 09 आएगा। और 09 को रिवर्स कर दो तो क्या आंसर आएगा, इट्स 90। 09 को रिवर्स कर दो तो क्या आंसर आएगा, इट्स 90। 09 को रिवर्स कर दो तो क्या आंसर आएगा, 90। सिमिलर हम करेंगे, सेम काम करेंगे हम 282 के साथ, 282 के साथ फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ो तो 2+2 कितना आएगा, 4। इसको मिडिल वाले से माइनस करो तो 8-4 कितना आएगा, 4। 4 का स्क्वायर लो तो कितना आएगा, 16। एंड यू हैव टू रिवर्स द डिजिट तो कितना आंसर आ जाएगा, 61। क्या ऑप्शन में है 61, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हुई बात गौरव, वेरी गुड, ए ए 61, क्लियर हो गई बात, समझ में आया क्या करा भैया इसमें। 151 को 90 बनाना था तो पहला और आखिरी नंबर का हमने सम ले लिया, पहला और आखिरी का सम ले लिया आया 2, मिडिल नंबर जो कि 5 है 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आया 3, 3 का स्क्वायर लिया आंसर आया 9, 9 कहो 09 कहो बात एक ही है, इसका रिवर्स कर दिया तो बन रहा है 90, रिवर्स कर दिया तो क्या बन रहा है 90, सेम आ गए 282 पर। पहले और लास्ट का सम लिया कितना आ गया, 4, 4 8 में से 4 को माइनस किया तो कितना बचा, 4, 4 का स्क्वायर लिया तो क्या हुआ, 16, 16 को रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, क्या बन गया, 61, 61 ऑप्शन में कहा था, ए में था। अब बताओ 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों के आए, ये हमारा पूरा आंसर शीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये पीपीटी में तुम्हें आज से भेजना शुरू कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो इसका ये आंसर का स्क्रीनशॉट इसीलिए लिखता हूँ यहाँ पे, ना पागल नहीं हो जो लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीपीटी में तुम्हें भेज दूंगा पीडीएफ के रूप में, उसको मिलाओ जो प्रॉब्लम तुम्हें करता है तो तुम्हारे पास आंसर भी है, कहाँ पूरा वीडियो देखोगे एक आंसर के लिए तुम दोबारा। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा आंसर इसका, समझ में आया, 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों के आए। सुभाष अभी क्या पता कैसा कैसा होता है, 10 आउट ऑफ 8 राज, प्रेम 9 आउट ऑफ 10, पवन 8, गोलू 3 में से, गोलू 3 में से 2, कविता 8, सूरज नाइस। कोई ऐसा जिसके 9 नंबर आए तो भी मैं मान लूंगा, 10 ही नंबर आए, 9 भी आए तो भी 10 ही आए,
कौन से ग्रुप पे, टेलीग्राम पे आ जाना, रीजनिंग भाई मानस सर डाल देना, उसमें आ जाओगे तुम लोग, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा एनालॉजी का कोई डाउट आउट हो तो तुम को ग्रुप में तुम ऐड हो करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। रीजनिंग बाई मानस सर, रीजनिंग बाई मानस सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास आज की खत्म होती है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और रेलवे का बैच मेरा आ रहा है, जो कि आ रहा है कब आ रहा है, 10 अगस्त को। तो जहां पर अगर आपको रीजनिंग पूरी डिटेल वाइज मुझसे पढ़नी है तो आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी 77%। 77% डिस्काउंट ऑफर के लिए आपको जो कोड यूज करना पड़ेगा वो है आपका Y252। और ये ऑफर यूज करते करते आप देखोगे कि आपको 77% ऑफ मिल गया है। इस ऑफ के साथ साथ एक चीज और है, इफ यू बाई दिस कोर्स ऑन योर ऐप, तो ऐप से अगर आप लोगे तो आपको प्लस 5% का ऑल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इट विल मेक यू अराउंड 80-82% डिस्काउंट, नॉट लेस देन इट और नॉट मोर देन इट। इट्स अ वेरी ग्रेट ऑफर, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय, इफ नॉट देन स्टडी हार्ड, यू विल ऑल्सो गेट सेलेक्टेड विदाउट इट ऑल्सो। क्लियर हुई बात? तो सर मैंने एडमिशन ले लिया, अच्छा किया भाई, कहाँ लिया है। चलो तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा लोग और जोड़ो भाई, इतना तो मैं तुमसे आई थिंक उम्मीद कर ही सकता हूँ। क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो कम से कम मुझे ये होता है कि मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो लोगों को समझ में आ जाती हैं वो बातें। और एक फुल मॉक का अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप मुझसे मिल सकते हो शाम 5 से 6 के बीच में SSC अड्डा पर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शाम 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में हम लोग डिस्कशन करेंगे CHSL लेवल को। और CHSL लेवल तुम्हारे FCAT से लमसम मिलता जुलता है, तुम देखोगे तो तुम कहोगे हम अपनी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो मज़ा आ जाती भाई क्लास में, धन्यवाद। आप लोग आते हो तो हमको भी अच्छा लगता है, आप हमें देख पाते हो, हम आपको नहीं देख पाते तो क्या हुआ, आप हम आपसे इस तरीके से डील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुलाकात ही हो तभी आगे की कोई बात हो। सो थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।